फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेन सेल टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेन से हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है रेगुलर पीरियड यानी अनियमित पीरियड के बारे में। तो आज मैं सिर्फ दो चीजों के बारे में बताऊंगी जो कि आपके अनियमित पीरियड यानी इरेगुलर पीरियड को नियमित करते हैं। बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत पुराने लोग इसको यूज करते हैं, 100% गारंटी के साथ में इसको यूज किया जाता है जो कि आपके पीरियड को रेगुलर करता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो की जानकारी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अनियमित पीरियड महिलाओं की एक बहुत कॉमन समस्या है, बहुत सारे लोगों को होती है। अनियमित पीरियड होते क्या है? हर महिला का एक पीरियड साइकिल होता है जो कि 26 से लेकर 35 दिन तक का हो सकता है। तो इस टाइम पर आपका जो पीरियड है वो आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका पीरियड इस टाइम पर नहीं आता है, आपको एक महीना पीरियड आता है फिर नहीं आता है, कभी दो महीने स्किप हो जाते हैं या छह महीने स्किप हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं इरेगुलर पीरियड यानी पीरियड का टाइम पर नहीं आना। तो इसके बहुत सारे रीजन भी होते हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि जब भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो आपके पीरियड भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब क्यों होते हैं? स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन जो है डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए जो महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं उनके पीरियड जो है रेगुलर नहीं रहते। इसके अलावा ओवरवेट जो महिलाएं रहती हैं, जैसे जैसे उनका वेट बढ़ता रहता है आपकी ओवुलेशन की प्रोसेस धीमी होती है और आपको पीरियड नहीं आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है डाइट। जो लोग सही बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं उनके साथ में यह दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ब्लड की कमी यानी एनीमिया, जिन लोगों में ब्लड बहुत कम है उनको भी पीरियड नहीं आते हैं, क्योंकि इतना ब्लड और प्रोसेस होती ही नहीं है, जिसकी वजह से उनके पीरियड जो है रेगुलर नहीं रहते। इसके अलावा कोई इंफ्लेमेटरी डिसीज हो तो भी पीरियड जो है रेगुलर हो सकते हैं। तो ऐसे में इन पीरियड को रेगुलर आप नेचुरली तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको कुछ होम रेमेडी है जो आप यूज कर सकते हैं। आप होम रेमेडी कह सकते हैं, डाइट कह सकते हैं, जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो आपके मोटापे, हार्मोन इंबैलेंस की समस्या हो, पीरियड इनरेगुलर की समस्या हो, आपके डाइजेशन की समस्या हो, इन सभी पे बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इनमें सबसे पहले अगर हम चीज की बात करें वो होता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो होता है हमारे पीरियड को रेगुलर लाने का काम करता है। इसमें वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है, इसमें ब्रोमोलिन एंजाइम होता है और साथ में होता है विटामिन सी। तो ये क्या काम करता है? जो हमारे यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जो कि हर बार पीरियड में झड़ करके निकलती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी क्लॉट्स देखने को मिलते हैं, उसको सॉफ्ट बनाता है, उसमें संकुचन पैदा करता है, जिसकी वजह से आपका जो पीरियड है वो आसानी से आ जाता है। तो ये चीज जो है गारंटेड है। तो अगर आप पाइनएप्पल का यूज करते हैं, चाहे आप जूस के रूप में करें या नॉर्मली फ्रूट के रूप में करें या आप किसी भी रूप में पाइनएप्पल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपके पीरियड की समस्या है वो सॉल्व हो जाती है। साथ ही आपका ब्लड अगर कम है तो वो प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट चीज होती है दालचीनी। तो दालचीनी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा औषधि की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, साथ ही मोटापे को कम करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, इनफर्टिलिटी की जिन लोगों को समस्या है उन सभी को सॉल्व करता है। तो ये आप ले सकते हैं। तो दालचीनी का आप चाहें तो पानी के साथ में ले सकते हैं, या फिर आप इसकी चाय बनाकर ले सकते हैं, या मसाले के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दालचीनी को आप कैसे भी यूज करें और ये आपके पीरियड जो इनरेगुलर है वो रेगुलर करने में बहुत हेल्प करती है। तो दालचीनी जो होती है एंटी बैक्टीरियल होती है, साथ ही एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। तो एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर जो डाइट होती है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप इसको जरूर लें और ये आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो ये दो चीजें हैं जो कि बहुत ही गारंटेड हैं पीरियड को रेगुलर लाने के लिए। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं 20-21 दिन तक, या चाहें तो आप एक महीने यूज कर सकते हैं और फिर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको कैसे रिजल्ट मिले वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।